प्रणाम मैम। कैसे हो आप सब? कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैम। बेटा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, इस पर बहुत ज्यादा सिलेबस है आप लोगों का। जूम क्लास बढ़ा दो इस बार आपकी। यस मैम। अच्छा अब मैं आपको ना पूरा कंटिन्यू 1 घंटा पढ़ाऊंगी आज, ठीक है? आईयूपीएससी ही मैं करवाऊंगी आप लोगों को। ओके मैम। ओके इसके बाद लास्ट में मैं डाउट लूंगी आप लोगों के। और बेटा प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, अपनी आईयूपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दे आप। ये चैप्टर बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये मान के चलो। अब मैं शुरू करती हूँ बेटा, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाओ या ध्यान से वीडियो को देखो, ठीक है? मैं आईयूपीएससी नेमिंग आज शुरू कर रही हूँ। बेटा आज मैं आपकी शुरू करूंगी आईयूपीएससी नेमिंग फ्रॉम द फर्स्ट मेन फंक्शनल ग्रुप, दैट इज द अल्कोहल। दैट इज द अल्कोहल। ओके बेटा, अल्कोहल आपका एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल इज ए फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल इज ए फंक्शनल ग्रुप। और अल्कोहल की पहचान क्या होती है? OH। और इस डैश का मतलब है बॉन्ड, मतलब ये किसी से जुड़ा हुआ है, किसी भी कार्बन से यहाँ पे, ठीक है? और जो ये अल्कोहल है, जब इसको आप एज ए सफिक्स यूज करेंगे, अल्कोहल को जब आप एज ए सफिक्स यूज करेंगे तो इसे हम OL बोलेंगे। अल्कोहल को एज ए सफिक्स आप क्या बोलेंगे? OL। और कई बार बेटा अल्कोहल एज ए प्रीफिक्स भी यूज हो जाता है, कई बार अल्कोहल एज ए प्रीफिक्स भी यूज हो जाता है। तो जब अल्कोहल एज ए प्रीफिक्स यूज होगा तो इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे। अब बेटा वो मैं आपको बताऊंगी कि प्रीफिक्स की फॉर्म में कब यूज होगा। अभी तो जो एग्जांपल्स आज मैं आपको करवा रही हूँ उन सब में अल्कोहल सफिक्स का ही काम करेगा, मेन फंक्शन ग्रुप का। प्रीफिक्स का काम तो तब करेगा जब एक ही कंपाउंड में दो फंक्शन ग्रुप हो और कोई अल्कोहल से बड़ा फंक्शन ग्रुप भी यहाँ पे आ जाए। तो फिलहाल तो आप इस पे फोकस करें, बट लाइन इसको भी कर ले कि अल्कोहल एज सफिक्स तो ओ लिखा जाएगा और एज ए प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। अब बेटा एक बार आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं, आईयूपीएससी नेमिंग का रूल क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। बेटा 2 डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी को, 1 डिग्री होता है प्राइमरी, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे वाइड रूट, इसके बाद क्या आएगा बेटा? वाइड रूट आएगा। रूट के बाद मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या आएगा बोलो? प्राइमरी सफिक्स, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ओके तो बेटा कुछ इस तरह से आपको ये रूल फॉलो करते हुए आपको नेमिंग करनी है। एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा दूं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब बेटा मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, CH3 होता है मिथाइल, C2H5 होता है इथाइल, ठीक है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब आपके होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब आप आईयूपीएससी नेम लिखना शुरू करते हो तो अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट दिखता है तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखोगे, उसके बाद आपका प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, और प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ क्लोज चेन के लिए होता है, इसको साइक्लो लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स किसके लिए होता है? क्लोज चेन कंपाउंड विद साइक्लो कंपाउंड के लिए होता है। देन जो आपके वाइड रूट है, वाइड रूट किसको शो करती है? नंबर ऑफ कार्बन को। वाइड रूट रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब बेटा पता है आपको कार्बन 1 है तो क्या होगा? मिथ। 2 है तो इथ। 3 है तो प्रोप, इस तरह से आपका, ठीक है? 4 है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। ये सब आपकी होती है वाइड रूट।
फिर मैं बात करूं प्राइमरी सफिक्स की, तो प्राइमरी सफिक्स में आता है एन, इन और आइन। मतलब पता है बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन यूज होगा, डबल बॉन्ड है इन यूज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज होगा। ओके उसके बाद आपका है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी आप IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो ही आपका प्रॉपर IUPAC नेम लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा हम शुरू कर रहे हैं IUPAC नेमिंग एल्कोहल की। बिल्कुल सिंपल कंपाउंड से स्टार्टिंग करूंगे शुरू में। पहला कंपाउंड मैंने लिया CH3OH। अब बेटा नेम भी ना दो तरह के होते हैं, एक होता है IUPAC नेम और एक होता है कॉमन नेम। ठीक है, तो IUPAC नेम इसका क्या होगा? IUPAC नेम का रूल ये होता है, सबसे पहले आप कार्बन एटम की नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को या डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग मिली। तो अब आप बेटा ये देखो, इसमें तो कार्बन ही एक है, तो बस उसकी तो क्या नंबरिंग करनी, वन ही रहेगा वो। तो अब इसका नेम हम कैसे लिखें? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? अब बेटा कुछ बच्चों को डाउट होगा, मैम हाँ यहाँ CH3 दिख तो रहा है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। नहीं बेटा, जब किसी कार्बन की नंबरिंग नहीं होती है ना तो वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है। यहां तो मैंने इस कार्बन की नंबरिंग कर दी तो ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। अब क्या इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये तो कैसा कंपाउंड है, तुम देखो ओपन चेन कंपाउंड है। तो अब डायरेक्ट वाइड रूट पे आए, वाइड रूट में क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें बेटा कितने कार्बन एटम है बताओ? एक ही कार्बन एटम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो मिथ लिखूं मैं एक कार्बन को। अब आप ये देखो बॉन्ड यहाँ पे कैसे है, बीच में सिंगल है, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आएगा? एन। अब बेटा मैंने एन का ई नहीं लिखा, अभी बताऊंगी क्यों नहीं लिखा। आगे फंक्शन ग्रुप क्या है? OH। और OH के लिए सफिक्स क्या यूज होता है? OL। तो यहाँ बेटा OL आएगा। वो क्यों आएगा बेटा? जब दो वावल एक साथ आ जाते हैं, मिथेन प्लस O, OL हो गया, तो जो ये वाला ई है वो मर्ज हो जाता है, तो इसका नाम क्या बन गया? मिथेनॉल। आया समझ में? अब सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, ये है बेटा C2H5OH। ठीक है, अब बेटा अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता हो ना तो वो इसे खोल के लिख सकता है, कितने सी है? टू, वन टू लिख लिए, और एच कितने हैं? फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? ओ एच। तो चाहे तो आप ऐसे खोल के लिख लो। अब इसका बताइए आप नंबरिंग होगी, सबसे पहले नंबरिंग कहां से करूं बेटा? इस वाले कार्बन से करूं जहां से OH जुड़ा है। ये आपका कार्बन वन और ये आपका कार्बन नंबर टू। तो अब इसका नाम बोलो, इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, ना कोई प्राइमरी प्रीफिक्स है, डायरेक्ट वर्ड रूट पे हम आए तो वर्ड रूट के हिसाब से कितने कार्बन है? टू। तो इसको मैं क्या लिखूंगी? इथ। बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है? सिंगल, तो एन। और यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स है, फंक्शन ग्रुप क्या है? एल्कोहल, तो क्या आ जाएगा? ओएल। तो इसका नाम क्या बना? इथेनॉल। इसका नाम बेटा क्या होगा? इथेनॉल होगा। ठीक है, चलिए अब इसका थर्ड एग्जाम्पल आप देखिए, C3H7OH। अब बेटा इस बार ना मैं खोल के नहीं लिखूंगी, तुम लोग डायरेक्ट बताओ नंबरिंग करोगे कितने कार्बन की नंबरिंग होगी? थ्री कार्बन खोल के लिखोगे तो वन टू थ्री, थ्री कार्बन की नंबरिंग होगी तो प्रोप, बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शन ग्रुप क्या होगा? OL, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो बेटा ये तो आपके कॉमन कॉमन कंपाउंड चल रहे अभी, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। अच्छा बेटा ये सब तो इनके ना IUPAC नेम है, ये सब तो इनके क्या है? IUPAC नेम है। अब ना एक कॉमन नेम भी होता है, तो अब मैं इनका यहाँ कॉमन नेम लिख रही हूँ, CN से मैं क्या दिखा रही हूँ? कॉमन नेम। तो कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं? देखिए कॉमन नेम आपको क्या करना है, R ग्रुप देखना है बेटा। एल्काइल ग्रुप ये होता है R ग्रुप, तो R ग्रुप यहाँ CH3 है, CH3 क्या होता है? मिथाइल, और OH से हो गया एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या है? मिथाइल एल्कोहल। अब यहाँ देखो बेटा R ग्रुप क्या है? C2H5 किसको बोलते हैं? इथाइल को, इथाइल, और OH से क्या हो गया? एल्कोहल, तो इसका नाम क्या बना? इथाइल एल्कोहल। फिर आपका प्रोपेनॉल आया, तो बेटा C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं?
एन यहाँ पे क्या चीज होता वो आप देखिए, तो एन यहाँ पर है स्ट्रेट चेन कार्बन। जब भी आपकी स्ट्रेट चेन में कार्बन दो से ज्यादा हो जाएंगे, जब भी आपकी स्ट्रेट चेन में कार्बन दो से ज्यादा हो जाएंगे तो कॉमन नेम में एन का यूज करना है। बेटा दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी आपकी स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम दो से ज्यादा हो जाते हैं तो कॉमन नेम में हम एन का यूज करते हैं, तो इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल और OH से एल्कोहल। कॉमन नेम इज एन प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, इतना आपको बेटा समझ में आया। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आपको मैं इसका जनरल फॉर्मूला सिखाती हूँ, वो देखिए आप ध्यान से, एग्जाम में बहुत बार ये आ जाता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो बेटा कैसे बनेगा जनरल फॉर्मूला एल्कोहल का, वो आप देखिए। हमें करना क्या है, हमने मान लो मिथेन लिया, एक एल्केन लिया CH4, ये एक एल्केन है, इसका नाम क्या होता है, मिथेन। ठीक है, अब बेटा मैं इसमें से क्या करूं, एक H को निकाल दूं और एक OH इसमें जोड़ दूं। मैंने यहाँ पे क्या माइनस कर दिया बोलो, H, और मैंने प्लस क्या कर दिया, OH। तो ये क्या बनेगा बेटा, CH4 की जगह हो जाएगा CH3, क्योंकि हमने एक H निकाल दिया ना, तो CH3, और साथ ही मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दी, OH। तो ये आपकी क्या बन गई, एल्कोहल बन गई, मिथेनॉल। ये बेटा आपकी एल्कोहल बनी क्या, मिथेनॉल। तो अब अगर इसका आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इस कंपाउंड को देख के लिखो बेटा, CN, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, टोटल H कितनी है बोलो, टोटल H यहाँ पे 4 है, तो ये कर सकते हैं CnH2NO। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2NO, CnH2NO, या बेटा ये भी हो सकता है, देखिए CN, ठीक है, H, ओके। अब यहां पर कितनी H है बोलिए, 3H है, तो क्या कर सकती हूँ मैं, CnH2N-1, और यहां पर क्या लिख दूं, OH। आपको ये दोनों बातें समझ में आई, ये दोनों ही जनरल फॉर्मूला है किसके, एल्कोहल के। एक तो आपका क्या है बोलो, CnH2NO, ठीक है, ये आया आपको समझ में, मैंने कैसे लिखा बेटा। अब मान लीजिए मेरे पास ये है C2H5OH, ठीक है, तो ये जनरल मैं इसको यू लिख सकती हूँ, C2H6O, ठीक है। तो अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना बताइए, यहाँ पे प्लस टू और होगा बेटा, CnH2N+2O। अब देखिए बेटा, C यहाँ पे 2 है, तो मान लो मैंने C यहाँ पे 2 करे, तो H कितने हो गए, 2 2 4, 4 + 2 कितना, 6, और एक क्या आ गया, O। तो जनरल फॉर्मूला क्या बना, CnH2N+2O, CnH2N+2O। आप इसको भी करेक्ट आप करें, C यहाँ पर 2 है और H आपके कितने हैं बोलिए, टोटल यहाँ पे 6 है, तो इस केस में आप क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर आपका आएगा 3N। अब आप देखिए C यहाँ पर 2 है, H कितने हो जाएंगे, 3 2 6, 6 - 1 क्या हो गया, 5, और एक ही आपका क्या आ गया, OH। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसका, एल्कोहल का। बेटा बहुत बार क्वेश्चन आता है CnH2N+2O, ओके। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हम नेमिंग करते हैं, थोड़ा सा बड़े कंपाउंड की नेमिंग हम करेंगे, जैसे ये कंपाउंड है बेटा, इसका नेम क्या होगा। तो अब आप पहले तो ये सोचो, ये यहाँ पे कार्बन की चेन कहीं से भी ओपन नहीं है, पूरी क्लोज है, तो यहाँ पर तो एक प्रीफिक्स है, क्या है बोलो, साइक्लो, ठीक है, पहले प्रीफिक्स लिखा। अब इसकी नंबरिंग करो बेटा जरा, तो जिस कार्बन से जुड़ा है OH वो आपका क्या होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, साइक्लो, वर्ड रूट कितने कार्बन की हुई बोलो, 6 की, तो हेक्स,
बिटवीन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब एन का ई नहीं आएगा ना, और कार्बन वन पे क्या है अल्कोहल, तो बेटा ऐसे लिखो साइक्लोहेक्सेन डैश फिर वन फिर डैश और ओल, मतलब यहां मैंने ये बताया कि कार्बन नंबर वन पे अल्कोहल है, कार्बन नंबर वन पे आपका क्या है अल्कोहल है OH है, ओके। तो बेटा इसको आप चाहे यू लिखो चाहे यू लिखो, मतलब एक ही है साइक्लोहेक्सेनोन, वो ना अपने आप अंडरस्टूड है कि ये कार्बन नंबर वन पे ही है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यहां मैंने लगाया OH और यहां लगाया CH3, एक तो OH है और एक CH3 है, अब इसका नाम आप बताइए इसका नाम क्या होगा, तो बताओ बेटा। सबसे पहला काम तो यहाँ पे ये देखना ओपन चेन कंपाउंड है या क्लोज चेन, वो आपको समझ में आ रहा है कैसा कंपाउंड है, ये क्लोज चेन कंपाउंड है। अब आपको इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या बेटा OH, OH यहाँ पर क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने बता रखा है अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो, बेटा मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ रूल एक बार, कभी भी सब्स्टिट्यूएंट भी हो और फंक्शनल ग्रुप भी हो, चाहे कोई भी रूल लगाओ, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को तो पोजीशन कम से कम ही मिलनी चाहिए, मतलब कार्बन वन पे क्या रहेगा OH, तो ये आपका हुआ कार्बन नंबर वन। अब आप ये सोचो कार्बन नंबर टू इसको दोगे या इसे दोगे, वन टू इधर लेके आओगे या वन टू यहां लेके जाओगे, तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से फंक्शन ग्रुप के साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे ये है कार्बन नंबर टू, इस पर एक क्या लग रहा है सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, देन नंबरिंग आप पूरी करें 3 4। चलो अब रूल आपको पता ही है, सबसे पहले क्या देखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो क्या इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, जी हाँ इसमें एक सेकेंडरी प्रीफिक्स है, क्या बेटा मैंने बताया जिस कार्बन की नंबरिंग ना हो वो क्या बन जाता है एल्काइल, तो ये CH3 यहाँ पर क्या है मिथाइल है, ये CH3 यहाँ पे क्या है बेटा मिथाइल है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का, तो यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स है मिथाइल, और मिथाइल भी एक प्रॉपर जगह पे है, ये मिथाइल किस कार्बन पे जुड़ रहा है बताओ कार्बन टू पे, तो इसका नाम ये होगा बेटा टू फिर डैश, हमेशा एक डिजिट नंबर के बीच में और बेटा लेटर के बीच में डैश आएगा, टू फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल मिथाइल टू मिथाइल। अब देखो और कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट है कोई, बस एक ही था मिथाइल, तो टू मिथाइल आगे इसका नाम लिखो, अब नंबर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स का, तो क्या इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, ये कंपाउंड तो क्लोज चेन है तो साइक्लो लिखा जाएगा, हो गया। अब नंबर आएगा वाइड रूट का, तो कितने कार्बन की नंबरिंग हुई है 4 कार्बन की, तो वाइड रूट क्या हो गया ब्यूट। अब आप ये देखो बिटवीन कार्बन कार्बन सब में कैसे बॉन्ड है सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन ई, तो मर्ज हो गई, और कार्बन वन पे क्या है OH, तो इसको क्या लिखो वन ओल, या वन ओल मत लिखो सिंपल क्या लिख दो ब्यूटेनोल, ठीक है बेटा। तो आपको इसका नाम समझ में आया कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारा ऐसा एग्जांपल है देखिए OH, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है देखिए, और बताइए इसका नेम क्या होगा बताओ बेटा, नंबरिंग कहां से करोगे शुरू, आप इसमें देख पा रहे हो दो जगह पे फंक्शन ग्रुप है, ये OH भी फंक्शन ग्रुप है, ये OH भी फंक्शन ग्रुप है, और ये मिथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है। मैं इस बार यहां लिख भी देती हूं ताकि किसी बच्चे को डाउट हो तो उसको समझ में आ जाए, ये CH3 यहां पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये OH मैंने इसको लिखा है FG मतलब फंक्शन ग्रुप, ये OH भी क्या है फंक्शन ग्रुप, रूल आपको समझा रखे हैं, सबसे पहला काम नेमिंग का होता है, तो नेमिंग किस तरफ से करनी है बताओ, जहां से फंक्शन ग्रुप को कम से कम मिले। अब यहां दो जगह फंक्शन ग्रुप है तो आपकी मर्जी है, आप किसी साइड से नंबरिंग शुरू कर दो, चाहे आप नंबर वन इसको दो चाहे इसको दो कोई फर्क नहीं है, मान लो मैंने इसको दिया नंबर वन, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ टू के लिए मैं इस तरफ आऊं या इस तरफ जाऊं, नंबरिंग सबको कम से कम मिलनी चाहिए, तो बताइए टू के लिए फिर किस तरफ जाए, यहां ये 3 ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 एंड 5, आया समझ में बेटा।
तो अब इसका नाम लिखें तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या यहाँ पे कोई प्रीफिक्स है ना बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स तो होते हैं ना, तो यहाँ पे तो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या नाम है इसका? मिथाइल। और मिथाइल किस पोजीशन पे है? कार्बन नंबर 2 पे। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2-मिथाइल। अब बताओ और कहीं पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। अब क्या प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है इसमें? प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है? क्लोज चेन कंपाउंड, बिल्कुल है, ये तो साइक्लो है। तो 2-मिथाइल साइक्लो हो गया। अब वर्ड रूट का नंबर आएगा, कितने कार्बन की नंबरिंग हुई है? 5 की, तो पेंट हो गया। अब बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब फंक्शन ग्रुप इस बार दो जगह है, एक तो कार्बन 1 पे और एक कार्बन 3 पे है, तो दोनों को कलेक्टिव देखो कैसे लिखेंगे। यहां गौर से डैश लगाया मैंने, 1, 3, बिटवीन टू नंबर ऑलवेज कॉमा आएगा बेटा। एक अल्कोहल तो कार्बन 1 पे है और एक अल्कोहल कार्बन 3 पे है, ऐसा ही है ना? एक अल्कोहल कार्बन 1 पे है, एक अल्कोहल कार्बन 3 पे है। टोटल कितनी अल्कोहल हुई बेटा? 2 अल्कोहल हुई। तो 2 को हम क्या लिखते हैं? डाई। क्या लिखेंगे? डाई। और OH के लिए क्या लिखेंगे? ओल। बेटा यहां दोबारा देखो, इसमें फंक्शन ग्रुप दो जगह था, कार्बन 1 पे भी है, कार्बन 3 पे भी है, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया कि एक तो कार्बन 1 पे कोमा एक कार्बन 3 पे, टोटल आपके 2 हो गए, तो डाई। और 2 आपके क्या है? फंक्शन ग्रुप अल्कोहल, तो ओल। तो इसका पूरा नाम क्या बना? 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1,3-डाई-ओल। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है ये CH2OH, बड़ा कॉम एग्जांपल, बड़ा मेन है बेटा ये। बताइए इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग करेंगे तो 2 ही कार्बन है, तो आपकी मर्जी है, किसी एक को कार्बन 1 दे दो, किसी एक को कार्बन 2 दे दो, कोई फर्क नहीं है। अब इस बार क्या है? कार्बन 1 और 2 दोनों पे क्या प्रेजेंट है? फंक्शन ग्रुप। कोई नहीं बेटा, हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? इसका नेम लिखना है। तो क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है? कोई प्रीफिक्स नहीं है बेटा, ना ये क्लोज चेन कंपाउंड है, ना इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है। तो डायरेक्ट वाइड रूट पे आए, वाइड रूट में कितने कार्बन है? 2। तो इथ, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन। अब बताओ क्या ई आएगा? नहीं, नहीं आएगा। अब आप देखो कार्बन 1 और 2 दोनों पे के क्या प्रेजेंट है? OH। तो अब आप बताइए 1, 2, टोटल 2 हो गए, तो डाई। और एल्कोहल के लिए OL, तो इसका नाम क्या बना? इथेन 1,2-डाईओल। अब बेटा ये इसका IUPAC नेम है, इसका ना IUPAC नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम, CN का मतलब कॉमन नेम, तो इसका बेटा कॉमन नेम होता है इथाइलीन ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा? इथाइलीन ग्लाइकोल होगा बेटा। कॉमन नेम तो ना लाइन ही करने पड़ते हैं, क्योंकि सभी के फिक्स होते हैं, कुछ एक कंपाउंड के या सभी के कॉमन नेम होते भी नहीं है। तो इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइलीन ग्लाइकोल है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज भी है, जो ये इथाइलीन ग्लाइकोल है ना, ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। इट इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन या पेट्रोल बेटा, मतलब ये उसका ना ऑक्टेन नंबर बढ़ा देता है, फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ये 1, 2, 3, और तीनों कार्बन पे एक एक लगे हुए हैं OH। वैलेंसीज तो पता है ना, एक कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो आप देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन गए, तो हिसाब से यहाँ 2H और आएगी। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक ही H आएगी। इस कार्बन के 2 ही बॉन्ड बने हैं, तो यहाँ 2H और आएगी। ये बना, अब इसका नाम लिखो बेटा। तो सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करोगे, इस बार तो तीनों ही कार्बन पे एक ही क्या प्रेजेंट है? फंक्शन ग्रुप। तो नाम क्या होगा? 1, 2, 3। बताइए आप, कोई इसमें प्रीफिक्स है? नहीं है। ना इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ना इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो डायरेक्ट वाइड रूट पे आएंगे, वाइड रूट में नंबर ऑफ कार्बन देखो कितने हैं, टोटल 3। तो प्रोप, बिटवीन कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड है? सिंगल, तो एन। अब इससे आगे का बताओ क्या होगा? इस बार 3 जगह अल्कोहल ग्रुप है, कार्बन 1 पे भी है, कार्बन 2 पे भी है और कार्बन 3 पे भी है।
तीन जगह है बेटा OH, तो आप इन्हें इस बार कलेक्टिवली कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखोगे? 1, 2, 3 बेटा टोटल। सॉरी बेटा बीच में एक फोन आ गया था। तो अब इसका नाम आप देखें, प्रोपेन 1, 2, 3 टोटल कितने अल्कोहल हुए? 3। तो ट्राई और अल्कोहल के लिए क्या आ गया? ओएल। तो इसका नाम क्या बना? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओल। आया समझ में बेटा? अब इसका ना कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? इट्स कॉमन नेम इज, बेटा ये आपको याद करने पड़ेंगे, ग्लिसरोल। ये ग्लाइकोल था और ये आपका क्या होता है? ग्लिसरोल। ग्लाइकोल एंड ग्लिसरोल। ओके, तो अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अल्कोहल की एग्जांपल मैं आपको एक दो और करवाती हूँ, फिर आपको एक फंक्शन ग्रुप और समझाऊंगी। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ऐसा हमारा एक कंपाउंड है, हाँ जी, इसका नाम बताओ बेटा। तो आप यहाँ पर ये देखो सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप क्या क्या है। तो फंक्शन ग्रुप तो क्या क्या है बेटा बताइए, जो रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये भी फंक्शन ग्रुप है OH, और ये भी फंक्शन ग्रुप है OH। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? जो ब्लैक पेन से मार्क करूंगी, Cl क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और Br भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। बेटा आई बात समझ में? रेड पेन से मार्क किए तो फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल, और जो मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया है ये आपकी क्या है बोलो? These are the substituent, bromo and chloro. Okay, तो अब आप बताइए इसका नाम क्या होगा बेटा? नंबरिंग करें, नंबरिंग करते हैं पहले। तो भाई OH कहीं से नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3 वन और थ्री पे OH आ रहा है, यहां से करूंगी तो भी 1, 2, 3 वन और थ्री पे OH आया, तो 1, 2, 3 ओके। तो अब इसका नाम लिखे बेटा, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं। तो प्रीफिक्स इसमें दो है, एक तो कार्बन टू पे है और एक कार्बन टू पे ही है दोनों। अब कार्बन टू पे एक तो ब्रोमो है और एक बेटा क्लोरो है, तो पहले ब्रोमो लिखोगे या क्लोरो लिखोगे? जो पहले अल्फाबेट में आएगा ना उसी पहले लिखोगे। तो पहले अल्फाबेट में क्या आएगा? ब्रोमो का बी आएगा, तो इसका नाम क्या होगा? टू पे ब्रोमो। बेटा दिखाना पड़ेगा ना ब्रोमो किस जगह पे है, कार्बन नंबर टू पे है, तो टू पे ब्रोमो, कोमा टू पे क्लोरो, टू ब्रोमो टू क्लोरो। अब आप देखिए क्या इसमें और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। अब नंबरिंग में कितने कार्बन है? 3, तो प्रोप, बिटवीन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो एन, और अब आप देखो कार्बन नंबर 1 और 3 पे क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल, तो 1, 3 टोटल 2 हो गए, तो डाई, और 2 क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल मतलब ओल, प्रोपेन 1, 3 डाई ओल। ठीक है, आया बेटा समझ में? तो ये इसका नाम बना 2-bromo-2-chloro-propane-1,3-diol। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए बेटा, बस ये अल्कोहल का आपका लास्ट होगा, बिल्कुल ही सिंपल सा मैंने कंपाउंड लिया है ये चीज। तो आप इसको क्या कहेंगे बेटा? ये तो कंपाउंड ही गलत है। क्यों गलत है? इस रूल को आप ध्यान रखना, हमेशा एक कार्बन पे अल्कोहल एक ही आता है, यहां मैंने एक कार्बन पे 2 OH लिख दिए, तो ये चीज अनस्टेबल होती है। ये चीज क्या होती है? अनस्टेबल। ठीक है, तो बेटा आपको ये रूल समझ में आया? ये रूल मैंने क्या लिखा कि एक कार्बन एटम बियर ओनली, एक कार्बन एटम
bears only one alcohol group. ठीक है, तो ये रूल आप ध्यान रखना, हमेशा एक कार्बन पे एक ही OH आएगा. एक रूल और भी है, वो क्या है, मान लीजिए मैंने ये कंपाउंड लिखा C डबल बॉन्ड C OH, इस कार्बन के हो गए चार बॉन्ड 1 2 3 4, इसके और कर दो, इसके भी हो गए, डबल बॉन्ड तो था ही, 2H मैंने और जोड़ दी, ऐसा ही कंपाउंड. ओके, तो अब इस कंपाउंड में क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, यहां पर ये कंपाउंड भी गलत है. गलत क्यों है, आप देखो इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड था और इसी पे अल्कोहल है. बेटा मेरी टाइम लिमिट खत्म होने वाली है, ठीक है, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगी, उठ के जाना मत, आपको दोबारा मीटिंग आईडी भेजूंगी 2 मिनट के अंदर अंदर. तो ये देखिए आप CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ओके, तो ये तो कंपाउंड ही गलत है, ये भी गलत था, ये भी गलत था. रूल इसमें क्या है, कभी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता. तो ये रूल आपका बना, OH ग्रुप नेवर एग्जिस्ट एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. एल्कोहल ग्रुप ने एग्जिस्ट एट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम. तो ये दो रूल आप ध्यान रखना, हमेशा एक कार्बन पे एक ही एल्कोहल आएगा और कभी भी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप नहीं आ सकता. तो अब तक ये मैंने आपको एल्कोहल ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स करवाए हैं, कुछ मैं आपको करने के लिए आज दूंगी, आप उन्हें करके देखना और फिर मुझे मेरे पास भेज जरूर देना उनको, ताकि मैं चेक कर पाऊं. तो बेटा टाइम हमारे पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप अब शुरू कर रहे हैं. और अगला फंक्शन ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड. नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड. एल्डिहाइड की पहचान होती है बेटा ये CHO. ध्यान से देखिए, जब भी किसी कार्बन पे एक तो सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा हो और एक डबल बॉन्ड से O जुड़ा हो, तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड. ये मैंने एक बॉन्ड छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है बेटा, कोई भी R ग्रुप यहाँ पे आगे जुड़ा हुआ है. आपको मेन तो ये देखना है, कार्बन पे एक तो सिंगल बॉन्ड से H जुड़े, एक डबल बॉन्ड से O जुड़े. इसको बेटा कॉमन U भी लिखते हैं, देखिए जरूरी नहीं आप इसको खोल के यूं ही लिखो, ऐसे CHO क्या लिखते हैं बेटा, CHO लिखते हैं. ठीक है, आया समझ में बेटा. तो इस तरह से इसकी पहचान होती है एल्डिहाइड की. अब जो ये एल्डिहाइड आपका होता है, इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड, इट इज ए कार्बोनिल कंपाउंड. अब ये कार्बोनिल क्या चीज है, देखिए इसको बोलते हैं बेटा कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, कार्बोनिल होता है बेटा. एक C है, डबल बॉन्ड से एक तो जुड़ रहा है O, और मैंने ये दो लाइन ऐसे लगा के छोड़ दी, मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे H हो चाहे R हो. R का मीनिंग समझते हो, एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी हो. तो देखो क्या ये है.